तो आज हमारे इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पिवट टेबल के बारे में। पिवट टेबल किस तरह से यूज होता है और क्या बेनिफिट है, और आखिर में इसका हम तरह क्यों करते हैं, इनके बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और मैंने होम मेनू के सारे रिकॉर्डिंग्स इकट्ठे आप लोगों को दे दिए थे, आप लोग उसको आराम से बैठ कर देख लीजिएगा। बात करते हैं पिवट टेबल। पिवट टेबल से पहले हम रिपोर्ट्स के बारे में एक बार जिक्र करते हैं कि रिपोर्ट क्या होता है। रिपोर्ट जनरली हम लोग ऑफिस के अंदर में इसी वर्ड का यूज करते हैं। कोई रिपोर्ट बना दो, ए चीज ए रिपोर्ट बना दो, ओ रिपोर्ट बना दो, लेकिन ये रिपोर्ट आखिर में होता क्या है, इसके बारे में चलिए थोड़ा सा उसके डीपली वाले जो है ना चीजें समझते हैं। देखिए, रिपोर्ट चाहे जिस तरह की हो, अगर हम उसको मीनिंग निकाले तो किसी न किसी डेटा की समरी ही होता है। डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको समराइज किया होता है। तो रिपोर्ट इज द समरी ऑफ द डेटा। समरी निकालने के बाद मान लीजिए उसमें कैलकुलेशन और बाकी चीजें भी होती है, तो समरी के बाद ही होती है। ठीक है, तो रिपोर्ट इज अ समरी ऑफ द डेटा। डेटा जो कि एक क्लब ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, उसको किसी एक पर्टिकुलर एंगल से, मान लीजिए किसी ने आपको मंथली रिपोर्ट भेजा, तो आप क्या करोगे कि आप उसको, आप जो है मान अपने डेटा को पहले मंथ वाइज समराइज करोगे। तो पिवट टेबल क्या करता है, एक्सेल में पिवट टेबल का यूज होता है समराइज द डेटा, एनालाइज द डेटा एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। आपके पास जो डेटा है उस डेटा को समरी निकालने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए एंड रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पिवट टेबल का। अगर मैं सीधी साफ भाषा में बोलूं तो पिवट टेबल के इस्तेमाल से आप जो है अपने मोस्टली रिपोर्ट कुछ हद तक बना सकते हैं, 70% 80% रिपोर्ट्स बना सकते हैं, या फिर ये भी कह सकता हूं कि 70% 80% रिपोर्ट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पिवट टेबल का रोल होता है। तो चलिए पिवट टेबल के बारे में हम जानते हैं। पिवट टेबल सीखने से पहले आपको डेटा के बारे में जानना होगा कि आपका डेटा क्या है, क्योंकि डेटा के बारे में जब तक नहीं जानेंगे तब तक उस पे एनालिसिस को करना थोड़ा सा टफ होता है। तो मेरे सामने एक सैंपल सा डेटा है, एक किसी कंपनी का सैलरी का डेटा है कि उसकी एम्प्लॉय को कितनी सैलरी, कितना बोनस, कितना ओवर टाइम, और एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट से फॉलो कर रहा है, उसकी किसकी कितनी छुट्टियां हुई है, और उसका स्कोर क्या है, परफॉर्मेंस स्कोर क्या है, और वो किस रीजन के लिए काम करता है, और सैलरी जो है किस महीने का है। सिंपल सा सैलरी का डेटा है। अब पहले इस चीज को, डेटा को समझ लिया आपने, और पिवट टेबल लगाने से पहले दो चीजों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। पहली चीज कि हमें डेटा को सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। डेटा को सिलेक्ट करना है या नहीं करना। तो डिपेंड करता है डेटा के ऊपर। अगर मान लीजिए कि पूरा का पूरा डेटा में कहीं एक पूरा का पूरा रो ब्लैंक है, इस तरह से अगर पूरा रो ब्लैंक है, तो अगर आप बिना पिवट को सिलेक्ट किए हुए, बिना डेटा को बिना सिलेक्ट किए पिवट अप्लाई किया, तो क्या होगा कि ये इतना ही डेटा के ऊपर काम करे, क्योंकि ये पिवट, ये जो है कंट्रोल ए के अकॉर्डिंग काम करता है, कंट्रोल ए के अकॉर्डिंग। तो आपका पिवट जो है उतना एरिया में काम करेगा।
लेकिन कोई पूरी रो ब्लैंक नहीं है, किसी एक पे मान लीजिए डेटा, मान लीजिए इसी पे जीरो लिखा हुआ है, फिर ये कंट्रोल ए के अकॉर्डिंग करेगा, तो ये पूरा डेटा सिलेक्ट। तो पिवट में फिर हमें डेटा को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, आपकी हेडिंग जो है कोई ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हेडिंग के अकॉर्डिंग पिवट लगता है, तो हेडिंग ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। अब चलिए अब स्टोरी बनाते हैं कि इसमें हमें चाहिए क्या। तो मान लीजिए कि आपके बॉस ने पूछा कि डिपार्टमेंट वाइज हेड काउंट, आपके बॉस को एक एसओएस फॉर्म साइन करवानी है हर एक एम्प्लॉय से, और उनके पास एम्प्लॉय बहुत ज्यादा है, एक ही एम्प्लॉय के पास जाना उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो हर डिपार्टमेंट में जितने बंदे है उतने फॉर्म भिजवा दे रहे हैं, ताकि वो साइन करके देंगे और बाद में हर डिपार्टमेंट वाइज हम उसको ट्रैक कर लेंगे कि हाँ इस डिपार्टमेंट से इतने टोटल फॉर्म आ गए हैं या नहीं आ गए। तो इन शॉर्ट हमें क्या चाहिए, एक समरी चाहिए कि किस डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग है। ठीक है, हेलो, जी तो हम सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं एंड पिवट टेबल लगाते हैं, पिवट टेबल एंड ओके। तो जैसे ओके कीजिएगा, एक नई सीट पे आपका एक एरिया आएगा, पिवट एरिया, और यहां साइड में जो देख रहे हैं आपको ये आपके फील्ड है। मैंने आपको बोला था कि पिवट टेबल हेडिंग अकॉर्डिंग चलता है, इसलिए हेडिंग ब्लैंक ही होना चाहिए, अगर ब्लैंक होता तो पिवट टेबल इंसर्ट ही नहीं होता। यहां पे आपके सामने आ गया। अब कुछ नहीं करना है, ये जो लिखे हुए हैं फील्ड है, उस फील्ड को इन चारों में से उठा उठा कर रखना है। जैसे जैसे आप रखोगे यहां आपका समरी क्रिएट होते जाएगा। तो मेरा काम क्या है, मेरा काम है मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डिपार्टमेंट वाइज हेड काउंट। तो डिपार्टमेंट को उठाया होल्ड करते हुए माउस को, और मैंने रो में रख दिया। जैसे रो में मैंने पुट किया, यहां पे मेरे डेटा डिपार्टमेंट के लिस्ट आ गया। अब देखिए, जैसे कि अकाउंटिंग आपके डेटा में हो सकता है कि वो दसों बार हो, कई बार रिपीटेड है, बट समरी में आपको सिर्फ एक बार ही आया। हाँ, दो बार कब होता, जब स्पेलिंग मिस्टेक होता। और दूसरी चीज, मुझे चाहिए हेड काउंट मतलब कि नेम का टोटल, टोटल जैसे चीज, जैसे कि टोटल आपको टोटल जैसे कि लाना है, तो उस केस में उस फील्ड को हम उठा के वैल्यू में रखते हैं, सम तो सम काउंट में काउंट मैक्सिमम मिनिमम एवरेज डिविएशन वगैरह जो भी कैलकुलेशंस वर्ड यूज होगा, वो फील्ड को हमेशा हम वैल्यू में रखेंगे। तो ऑटोमेटिकली काउंट हो गया। क्यों हो गया काउंट, क्योंकि ये जो नेम फील्ड के अंदर टेक्स्ट है, अगर इसमें नंबर होता तो ऑटोमेटिकली सम होता, अगर नहीं होता तो हम इसको चेंज कर सकते, आगे मैं बताऊंगा कि चेंज कैसे करेंगे। अब इसमें एक चीज पूछने वाली है कि हमने पिवट टेबल में हमने डिपार्टमेंट को रो में ही क्यों रखा। रो में रखने का पर्पस ये था ताकि ये हमारा डेटा जो है रो वाइज आना चाहिए, इसलिए हमने रो में रखा था। अगर मैं डिपार्टमेंट को उठा के कॉलम में रख देता तो फिर वो कॉलम वाइज होता, जो कि सही रिपोर्ट नहीं दिखता, तो यहां पे रख दिया। अब डेटा को ऐसे तो भेजेगा नहीं, इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। अब चलिए फॉर्मेट के बारे में जानते हैं। अब एक टॉपिक है फॉर्मेटिंग इन द पिवट। तो जैसे आप नॉर्मली रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग करते हो, वैसे कर सकते हैं, जैसे कि यहां से कलर बॉर्डर हीटर ले सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप फील्ड के कोई नाम चेंज करना चाहे, जैसे कि मैं रो लेवल की जगह पे डिपार्टमेंट करना चाहता हूं, तो आप कर सकते हैं, इस पे चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, चेंजिंग किस पे नहीं कर सकते, टोटल, ये जो टोटल आ रहा है ना उस पे नहीं कर सकते, बाकी सब हर जगह चेंज कर सकते हैं।
अब फॉर्मेटिंग आप जो है यहां से जो नॉर्मल डेटा की फॉर्मेटिंग करते हैं, नॉर्मल रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका एक बार का है तो कर लो, लेकिन इसी में आपको बार बार अपडेट करके रिपोर्ट भेजनी होती है तो उस पर दिक्कत है। क्यों? क्योंकि यहां जो आप देख रहे हो कि अगर आपने मान लीजिए कि यहां से कलर अप्लाई किया तो अभी तो आपको कलर दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप नई डेटा डालोगे और उसको रिफ्रेश करोगे तो आपका फॉर्मेटिंग, जैसे मान लीजिए अभी 20 तक है, 21 तक है, कल के डेट में कमा 15 हुआ, तो नीचे के फॉर्मेटिंग गायब नहीं होंगे, पहले चीज। दूसरी चीज, बढ़ा तो फॉर्मेटिंग इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्मल फॉर्मेटिंग है, इसको पिवट से कोई इसका मतलब नहीं है, इसको सेल से मतलब है। जितना सेल आपने सेलेक्ट किया उतने सेल पे फॉर्मेटिंग कर देगा। लेकिन ऊपर देखिए एनालाइज के बगल में डिजाइन दिखेगा आपको, पिवट टेबल पर क्लिक करने पे पिवट टेबल ऑप्शन के नीचे होता है डिजाइन, इस पे आपको पिवट टेबल के डिफॉल्ट फॉर्मेट मिलेंगे। आप जैसा फॉर्मेटिंग आपको सूट करता है उस तरह का फॉर्मेटिंग यहां से आप ले ले। ये फॉर्मेटिंग पिवट टेबल का पार्ट है, इसलिए अगर डेटा इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है तो ये भी अपने आप को इंक्रीज एंड डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये तो हो गया सिंगल। लेकिन जब भी आप कोई रिपोर्ट बनाए तो ध्यान रखें कि आप बॉस से एक बार पूछ ले मोटिव ऑफ द रिपोर्टिंग, कि बॉस आप इसको क्यों करना चाहते हैं, पर्पस क्या है। ऐसा मैं पूछने के लिए क्यों बोल रहा हूं कि अगर मोटिव ऑफ रिपोर्ट पता होगा तो आप उसमें अपना एफर्ट लगाएंगे। जैसे कि मुझे नहीं पता है कि बॉस ने बोला भाई हेड काउंट दे, डिपार्टमेंट वाइज आपने भेज दिया, लेकिन पता चला कि जो रिपोर्ट चाहिए था वो चाहिए था हेड काउंट माने साइन करवाने के लिए, बाद में आपको पता चला, फिर बॉस को दिक्कत होगी, क्योंकि जब मान लीजिए कि अकाउंटिंग में 9 बंदे काम करते लेकिन 9 के 9 एक जगह पे नहीं है। यहाँ पे देखिए गुड़गांव में है, नोएडा में है, महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, कोलकाता में भी है, रायपुर में भी है, तो अलग अलग लोकेशंस पे है, तो अब दिक्कत हो गई उनको ना। ठीक है, अब अगर आपको पता रहेगा कि हाँ मुझे बॉस को इस पर्पस से चाहिए, तो आप अपना एफर्ट लगाओगे, और एफर्ट लगाने में आप क्या करोगे कि आप यहां से मंथ को उठाओगे, सॉरी माफ कीजिए, मंथ को सिटी को, सिटी को उठाओगे और कॉलर में डाल दोगे, तो ये सिटी वाइज और डिपार्टमेंट रिपोर्ट बन जाएगा, तो आपकी बॉस को ट्रैकिंग करने में सहूलियत होगी। किसी को डाउट किसी चीज का? देवीदास जी, अरुण जी, नहीं सर, नहीं, क्लियर है सर। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन इसमें आता है उस पे चलते हैं। अब बात करते हैं कि हाँ रुचि, सर अभी अभी जो है ये सीटी लगाने से पहले आपने जो दूसरी सीट पे जो लाया था वो कैसे लाया था? डबल क्लिक कर दिया, किस पे ठीक है, डबल क्लिक किया था? डेटा पे डबल क्लिक, इस पर चाहिए तो इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, बताऊंगा मैं आपको, चिंता मत, सब कुछ बताऊंगा आपको।
अब यहां पे बात आती है कि हमने सिटी कोड को उठाया और कॉलन में रख दिया और हमारी रिपोर्ट बन गया और अच्छी मसाला बहुत अच्छा रिपोर्ट है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि कॉलन में यहां पर रखने के कुछ नियम है। हम ऐसे फील्ड को रख सकते हैं जिसकी काउंट कम हो। मान लीजिए सिटी अभी 8-10 है तो आपको रिपोर्ट अच्छा दिख रहा है, लेकिन सिटी अगर मान लीजिए 8-10 100 होते हैं, या फिर मान लीजिए 20-25-50 होते, तो एक काफी बड़ा रिपोर्ट बन जाता। तो आपको नेविगेट करना पड़ता और स्क्रॉल करना पड़ता और देखने में काफी दिक्कत होती। तो जब आपके पास अगर कॉलम फील्ड के में रखना चाहते हैं और अगर आपके पास नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा है तो आप स्वैप कर दे, रो इसको रो में रख दे, डिपार्टमेंट को कॉलम में रख दे। लेकिन दोनों अगर ज्यादा है तो दोनों को आप रो में रखें, तो एक बन मतलब सब हो जाएगा कि डिपार्टमेंट इसके नीचे सिटी। और ये दिख रहा है आप माइनस का निशान दिख रहा है, ये इससे क्या होगा, कॉरेस्पॉन्ड हो जाएगा। एक साथ करना आपको सारा, तो यहां एनालाइज में देखिए होता है माइनस प्लस खुल जाएगा, सारा एक साथ बन जाएगा। तो एक तरह से समरी ऑफ द समरी हो गया कि अगर ज्यादा डेटा है तो कम आएगा। मान लीजिए मुझे बजट का देखना है, मान लीजिए मुझे आईटी का देखना है, तो मैं यहाँ आईटी पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे रिपोर्ट सिर्फ आईटी का ही दिखेगा। तो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट है, बहुत बड़ा जो होने पे ये देखने में आसानी होती है। नहीं आप पूरा रखना चाहते हो तो यहाँ पे आप रख सकते हो, यहाँ पे खोल देता हूं मैं। अब दूसरा चीज, अगर ये रिपोर्ट आपका ठीक है लेकिन अगर आप जो है मान लीजिए इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि हम ऐड करना चाहते हैं सैलरी, टोटल सैलरी कितना दिया गया, तो सैलरी को यहाँ नीचे रखें, यहाँ पे सम सैलरी का सम आ गया। मैं बोनस उठा के इसके नीचे रखा तो बोनस आ गया। मैं ओवर टाइम उठा के रखूंगा यहाँ नीचे तो यहाँ पे ओवर टाइम आ जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि ये रिपोर्ट अगर एज ए पिवट टेबल किसी को भेजना है तो ठीक है, लेकिन पिवट टेबल को डेटा लेने के बाद फिर इसको वैल्यू पेस्ट करके फिर इसमें फॉर्मेटिंग सुमेटिंग करनी है या फिर इस पे और बहुत सारे कैलकुलेशन करने हैं, जैसे कि टोटल निकालना है, एवरेज निकालना है वगैरह वगैरह, तो वहां पे दिक्कत होगा। दिक्कत क्या होगा कि यहाँ पे देखिए आपके दोनों है जो ये है आपके लेजेंड है वो एक ही कॉलन में है, मतलब डिपार्टमेंट और सिटी एक ही में है। तो यहां पे तो अलग अलग दिख रहा है, लेकिन जैसे ही कॉपी करके आप वैल्यू पेस्ट करोगे तो ये सारे के सारे हट जाएंगे, फिर आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि किस कॉलन में सिटी है और किस कॉलन कौन सा सिटी है कौन सा डिपार्टमेंट है। तो मुझे चाहिए कि भाई एक कॉलम में डिपार्टमेंट हो, उसके बगल वाले कॉलम में सिटी हो, उसके बगल वाले में इस तरह से होना चाहिए। तो उसके लिए आपको यही डिजाइन में जाएंगे तो यहाँ रिपोर्ट लेआउट मिलेगा। रिपोर्ट लेआउट में ये दूसरा नंबर या तीसरा नंबर यूज कर सकते हो, या फिर राइट क्लिक कीजिए, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट मिलेगा, उसको भी करोगे तो इसी तरह से दिखेगा आपको। अब इसमें देखिए कि हर डिपार्टमेंट के नीचे यहां टोटल आ गया, उसका सब टोटल और यहां पे सब टोटल है। आप ये नहीं चाहते हो तो आप इसको हटा सकते हो राइट क्लिक करके, यहां देखिए सब टोटल डिपार्टमेंट क्लिक कर दीजिए, हट जाए। और दूसरा मैं चाहता हूं कि यार ये तो ठीक बना रिपोर्ट, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये डिपार्टमेंट रिपीट होना चाहिए, क्योंकि फिल्टर अगर अभी नॉर्मल तो ठीक है लेकिन जब कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिल्टर अगर लगाने में दिक्कत होगा, तो मैं चाहता हूं कि यहां से रिपीट होना चाहिए। तो रिपोर्ट लेआउट में ही आप क्लिक करोगे तो यहां देखोगे रिपोर्ट ऑल आइटम लेबल, रिपोर्ट सॉरी रिपीट ऑल आइटम लेवल क्लिक कीजिए, ये आपका रिपीट हो जाएगा। राइट,
उसके बाद अगर ये हो गया, लेकिन अगर मैं या रिपोर्ट हम रिपीट तो कर दिए, दिक्कत हो गया कि हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट का जो स्टार्टिंग और एंडिंग है वो थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब कि इसके बीच में एक ब्लैंक रो इंसर्ट कर लें तो सेपरेटर बन जाएगा, तो वो भी आप डिजाइन में जाए और इन यहाँ पे ब्लैंक रो इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, तो आपको यहाँ पे ब्लैंक लाइन इंसर्ट हो गया, दिख रहा है? ये सब चीजें हटाना चाहते हो तो वो आप यहां से हटा सकते हो, रिमूव, और ऑल्सो मैं यहां से डू नॉट रिपीट कर देता हूं। डू नॉट रिपीट करने के बाद मैं चाहता हूं कि इनको आपस में मर्ज कर देना, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं, अब मैं मर्ज करना चाहता हूं। तो आप डायरेक्टली सेल को मर्ज नहीं कर सकते, पिवट टेबल में आप मर्ज नहीं कर सकते हो, तो मर्ज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा राइट क्लिक पिवट टेबल ऑप्शंस और यहां पे मर्ज मर्ज एंड सेंटर एंड ओके कर मर्ज। उसी तरह से इसमें कहीं कहीं आप देख रहे हैं कि ब्लैंक रो है, दिख रहा है ब्लैंक रो, तो आप चाहते हैं जहां ब्लैंक है वहां ब्लैंक शो ना हो, वहां पे आपको कुछ लिखा हुआ अपना वर्ड शो हो, तो वो भी पिवट टेबल ऑप्शन में यहां देखिए। तो एम्प्टी सेल वैल्यू यहां पे मैं लिख देता हूं डेटा नॉट फाउंड, तो जहां ब्लैंक था वहां पे आपका खुद का लिखा हुआ आ रहा है, ये आपका एक परफेक्ट रिपोर्ट बन रहा है। अब इसमें फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, हमने कॉलम रो एंड वैल्यू के बारे में बात की, अब बात करते हैं फिल्टर्स के बारे में, पेज फिल्टर। तो अभी जो रिपोर्ट देख रहे हैं पूरे साल महीने का है, मैं हर साल का है, मुझे एक महीने के महीने वाइज दिखना है कि पर मंथ के हिसाब से कितना होना चाहिए, तो मैं मंथ को फिल्टर में रख देता हूँ। मैं यहां से चूज करूंगा कि मैंने जैन चूज किया एंड ओके किया तो मेरे सामने सिर्फ जनवरी का ही रिपोर्ट दिखेगा, ठीक है? मैं यहां पे फैब को सेलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा तो मेरे सामने फरवरी का ही रिपोर्ट होगा, मार्च करूंगा तो मार्च का ही होगा। तो फिल्टर में अब जरूरी है कि फिल्टर में आप एक ही रखें, एक से ज्यादा भी रख सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूं छुट्टी के हिसाब से भी फिल्टर करके देखना कि मार्च महीने में दो छुट्टी वाले करने वाले कितने नहीं है, इस तरह से भी आप देख सकते हो। मल्टीपल सिलेक्शन यहाँ पे दो तीन चार सिलेक्ट कर लिया एक साथ, तो मल्टीपल सिलेक्शन से भी आपके यहाँ आ जाए, ठीक है? तो पेज फिल्टर इसके लिए होता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक फाइल जो है मैं आपको भेज रहा हूं, इस फाइल में से मुझे 10 तरह की समरी बना के आप मुझे दीजिए, ठीक है? ये फाइल मैं आप लोगों को भेज रहा हूं, आप लोग मुझे इस पिवट टेबल पे 10 समरी बनाई बताइए। आज जो मैंने पढ़ाया आपको वो डेटा की समराइजेशन थी, अगली टॉपिक में हम ग्रुपिंग सॉर्टिंग फिल्टर के बारे में डिस्कस करेंगे।